हम अक्सर प्रोग्राम्स में और डिफरेंट टॉक शोज में सुनते हैं कि जब तक पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं करेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि रूल ऑफ लॉ होता क्या है, ये ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है और उनका पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें कैसे वर्क करता है, अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में कैसे वर्क करता है और पाकिस्तान के अंदर क्या ये इम्प्लीमेंटेड भी है या नहीं, या रूल ऑफ लॉ है ही नहीं बस। तो आज की इस वीडियो में ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है मोहम्मद नुमान तारिक और मेरा गोल है कि मैंने 1 मिलियन लोगों को ये समझाना है बशमूल खुद कि हम किसी भी डेंजर की सूरत में कौन सी लीगल रेमेडीज हैं जिनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलें इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर रूल ऑफ लॉ की बात करें तो रूल ऑफ लॉ एक प्रिंसिपल और एक डॉक्ट्राइन है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है सिवाय कुछ डिक्टेटरशिप्स के जैसे नॉर्थ कोरिया एटसेट्रा। उसके अलावा हर कॉन्स्टिट्यूशन में ये अगर इम्प्लीमेंटेड नहीं भी है तो लिखा जरूर है, यानी कि पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट करती है। और ये एक्चुअल में कोई लॉ नहीं है, कोई रूल नहीं है, बल्कि ये एक ट्रांजिशन है। अगर यूं कहें कि पहले रूल ऑफ मैन हुआ करता था, यानी कि एक इंसान का रूल था और वो तमाम के तमाम इख्तियार का मालिक हुआ करता था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे इंसानियत ने तरक्की की तो हम रूल ऑफ मेन से रूल ऑफ लॉ की तरफ कन्वर्ट हो गए और आज रूल ऑफ लॉ की जो है हुक्मरानी है। जैसे कि हम समझते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है उससे पहले किंगडम हुआ करते थे, यानी कि रूल ऑफ पर्सन हुआ करता था, और फ्रेंच रेवोल्यूशन तो इसकी एक ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है। उसके बाद से डेमोक्रेसी आई, यानी कि रूल ऑफ मेन से रूल ऑफ लॉ की तरफ जो ट्रांजिशन हुई उसी को हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं। तो अगर हम ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन को 2200 साल पहले हुआ, जब प्लेटो और अरिस्टोटल हुआ करते थे। तो प्लेटो ने कहा था कि लॉ शुड बी द फाइनल अथॉरिटी एंड नो वन शुड बी अबव द लॉ, यानी कि जो लॉ है उसको फाइनल अथॉरिटी होना चाहिए और कोई भी लॉ से ऊपर नहीं होना चाहिए। और अरिस्टोटल ने कहा था कि लॉ शुड बी द फाइनल सॉवरन, यानी कि जो हतमी फैसला करने वाला है वो लॉ को होना चाहिए, किसी इंसान को नहीं। तो यानी कि जो रूल ऑफ लॉ की बात है वो सबसे पहले ग्रीक फिलोसफर्स ने की थी, जिनमें अरिस्टोटल और प्लेटो कहते हैं, इसको ओल्ड स्कूल भी कहते हैं। तो अगर हम मॉडर्न स्कूल की बात करें तो उसमें हम एवी डाइसी को डिस्कस करते हैं, जिनके अकॉर्डिंगली रूल ऑफ लॉ के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले है सुपरमेसी ऑफ द लॉ, यानी कि लॉ शुड बी द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। नंबर 2 वो कहते हैं कि इक्वालिटी ऑफ द लॉ, कि लॉ की नजर में सब इंसान जो है वो बराबर होने चाहिए, रूल ऑफ लॉ का ये सेकंड कंपोनेंट है। तीसरा, उनके नजदीक राइट्स एंड लॉज जो भी हैं वो तमाम के तमाम जुडिशियल डिसीजंस उसका सोर्स होने चाहिए। तो यानी कि उनके नजदीक ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि रूल ऑफ लॉ के हैं। तो अब ओल्ड स्कूल और मॉडर्न ज्यूरिस्ट के बाद अगर हम बात करें इसकी करैक्टरिस्टिक्स की, तो इसकी कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिनको अब हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें एक ये है कि नो वन शुड बी अरेस्टेड विदाउट प्रॉपर ट्रायल इन द कोर्ट, यानी कि किसी भी इंसान को जब तक कोर्ट के अंदर प्रॉपरली ट्रायल नहीं किया जाता तब तक उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं कि प्रोसीजर शुड बी फेयर। अब अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमारे ट्रायल्स को अफेक्ट कर रही होती हैं, लेकिन ये रूल ऑफ लॉ की वायलेशन है। रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि प्रोसीजर जो है वो हमेशा फेयर होना चाहिए। और फिर तीसरे नंबर पे कहते हैं कि नो वन शुड बी जज इन हिज ऑन काज, यानी कि जब अगर उसके किसी बेटे का, भाई का, बहन का, माँ बाप का या किसी रिश्तेदार का केस होगा तो वो जज वो फैसला नहीं सुन सकता। और फिर रूल ऑफ लॉ कहता है कि नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड, कि किसी भी इंसान को जब तक सुना नहीं जाता तब तक उसे कंडेम भी नहीं किया जा सकता। तो ये इसकी कुछ मेजर करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि रूल ऑफ लॉ में लाजमी होने चाहिए। इसको करेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, इसको एसेंशियल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ भी कह सकते। तो फिर अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के अंदर रूल ऑफ लॉ इस तरह इंप्लीमेंटेड है कि नंबर 1 वहां अकॉर्डेंस टू लॉ है, यानी कि कोई भी कानून है वो लॉ के अकॉर्डिंगली ही बनाया जाता है और वैसे ही डेवलप किया जाता है और फिर वैसे ही इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ब्रिटेन के अंदर रूल ऑफ लॉ एक बहुत अच्छे से इस तरह इंप्लीमेंटेड है अकॉर्डेंस टू लॉ की शक्ल में। फिर सेकंड नंबर पे वहां पे फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं जो कि फुली प्रोटेक्टेड है। तो इस तरह रूल ऑफ लॉ की जो सेकंड टाइप है वो भी वहां पे एक्सेप्टेड और एप्लीकेबल है। नंबर 3, गवर्नमेंट ऑब्लिगेशंस। अब जहां पर ऑब्लिगेशंस की बात आती है तो ये एग्रीमेंट की बात है, जो हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में भी पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट के ऑब्लिगेशंस हैं उनको अगर फुली अच्छे तरीके से उन पे अमल करती है तो इसका मतलब है कि रूल ऑफ लॉ वहां पर है। फिर रेवेन्यू कलेक्शन एंड आर्मीज मैनेजमेंट जो है उसके अंदर भी रूल ऑफ लॉ की बहुत इंपॉर्टेंस है। अब जब भी आपने रेवेन्यू कलेक्शन करनी है तो वो भी फेयर
लेयर होगी, और जब भी आर्मीज को मैनेज करना है तो उसके अंदर भी जो मैनेजमेंट है उसका क्राइटेरिया हमेशा फेयर रहना चाहिए। और फिर इक्वालिटी इन द आई ऑफ द लॉ, अब ये भी जो ब्रिटिश जुडिशरी है उसके अंदर एक इम्प्लीमेंटेड फीचर है कि हमेशा हर इंसान जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी नजर में बराबर होता है। फिर अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के अंदर भी रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश्ड है। उनकी 5th and 14th जो क्लॉज है उसके अंदर वो ड्यू प्रोसेस की बात करते हैं कि किसी भी इंसान को जो है वो फेयर ट्रायल मिलना चाहिए और उसको ड्यू प्रोसेस मिलना चाहिए। यानी कि अमेरिका के अंदर भी रूल ऑफ लॉ जो है वो फुली इम्प्लीमेंटेड शक्ल में आज मौजूद है। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 ये सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ की बात करता है। फिर आर्टिकल 25 है जो कि इक्वालिटी इन द आई ऑफ द लॉ की बात करता है, यानी कि रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान के अंदर बाय बुक एस्टैब्लिश है। फिर अगर डाइसी जो कहते थे कि जुडिशियल डिसीजंस इसका सोर्स होने चाहिए राइट्स का, ये पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो अगर A.V.Dicey के अकॉर्डिंगली हम रूल ऑफ लॉ को पाकिस्तान के अंदर परखने की कोशिश करें तो हम कहेंगे कि A.V.Dicey के अकॉर्डिंगली रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान के अंदर पार्शली इम्प्लीमेंटेड है, क्योंकि सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ और इक्वालिटी इन द आई ऑफ द लॉ ये दोनों चीजें पाकिस्तान के अंदर बड़े अच्छे से इम्प्लीमेंटेड है। तो इसको इसलिए हम कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंटेड है। फिर अगर क्रिटिसिज्म की बात करें तो हर थ्योरी की तरह रूल ऑफ लॉ की जो डाइसी की थ्योरी है इसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म आया है। वो सबसे पहला तो ये है कि इसने डिडंट क्लियर ऑल टाइप्स ऑफ लॉ, के इसने जो तमाम तरह के लॉज हैं उनको यहाँ इसने डिस्कस नहीं किया। नंबर टू ये आया कि इसने जो क्राउन के राइट्स हैं उनके बारे में कोई बात नहीं की, और जो वो राइट्स हैं उनको ये बिल्कुल इन्होंने सरफे नजर कर दिए। और फिर तीसरे नंबर पे कि इन्होंने इंडिविजुअल राइट्स की भी बात नहीं की, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, तो उनकी बात भी इन्होंने नहीं की। और फोर्थ, इन्होंने जो एग्जेक्टिव है उसकी अनलिमिटेड पावर्स उसको दे दी हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको रोल ऑफ लॉ को समझने में मदद मिली होगी। अगर आप खुद को लॉ की फील्ड से एंगेज रखना चाहते हैं तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप डेली बेसिस पे लॉ की अपडेट्स लेना चाहते हैं तो आप इस Facebook पेज को भी लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी किस्म की लीगल असिस्टेंस की जरूरत है तो आप इस दिए गए चैम्बर एड्रेस पे भी तशरीफ ला सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।